गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नीट मेडिकल एग्जाम में आए हुए हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम उसको देख सकते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, जो हाइड्रोकार्बन ए है जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन से बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड बन गया, बीच बाय वुड्स रिएक्शन कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। अब हमें इसे यह पता लगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमको यह पता लगा कि ये दोनों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों ही एडिशन रिएक्शन है, तो हमारे 50% चॉइस गायब। और हम इसका बनाए तो मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड बनेगा और इसका बनाए तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, लेकिन जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें ब्यूटेन मिलेगा, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि उसमें कार्बन के नंबर 4 से कम है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो सकता है, इसका आंसर थर्ड होगा। तो हम देखते हैं थर्ड का सोल्यूशन। तो देखें, मीथेन ने पहले मिथाइल ब्रोमाइड बनाया जिसने वुड्स रिएक्शन से हमको इथेन दिया, इसलिए इसका ऑप्शन 3 करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे सामने बोर्ड पर है कि कंपाउंड है C7H8 जो फॉलोइंग रिएक्शन देता है। इसने पहले क्लोरीन से रिएक्शन करी। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर करीब करीब इक्वल हो तो हमें देखकर पता लग जाना चाहिए कि ये कोई बेंजीन वाला हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें और चॉइस भी इसकी यही बता रही है कि सब में टॉलुइन दिया हो, तो 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग में चले जाएंगे और 8 मिथाइल ग्रुप ऊपर है, तो ये हमारा टॉलुइन बन जाए। अब जब हम टॉलुइन की रिएक्शन Cl2 से लाइट या में करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर बच्चे को याद होना चाहिए कि क्लोरीन लाइट और हीट के प्रेजेंस में बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अब ये बेंजीन रिंग में नहीं लगेगा, ये टोलुइन के सारे CH को हटाकर ऊपर Cl3 लगा, तो यहां पर हमारा कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 और CCl3 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, रिंग के ऊपर CCl3 और CCl3 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए वो आने वाले Br को मेटा ग्रुप पर लगा दे, ठीक है ना। अब हम ZnHCl से जब रिडक्शन करेंगे, ZnHCl से रिडक्शन करेंगे तो CCl3 फिर से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से टॉलुइन बन जाएगी, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले ये CH3 की जगह CCl3 बन गया, फिर CCl3 से मेटा पे Br लग गया, फिर रिडक्शन से CCl3 वापस से CH3 में कन्वर्ट, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इससे इधर की तरफ जाए, तो इधर वाले ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड इसमें 2 और इसमें भी 2 राइट में है, पर इसमें ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी एसपी होगी, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ये वाला, ये फर्स्ट हो जाएगा क्या, ये वाला फर्स्ट हो जाएगा sp2 sp2 sp sp। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। हम चलेंगे अब फोर्थ क्वेश्चन। हमने हमारे पास एल्काइल्स है और एल्काइल्स के साथ में आप एरो पे देख सकते हैं, इसको देखते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि एल्काइल्स जब भी
हाइड्रेशन करते हैं तो पहले इनॉल फॉर्म बनती है और इस इनॉल फॉर्म के रीअरेंजमेंट से कीटोन बन जाती है, ठीक है ना। तो अब वो इनॉल में OH इस कार्बन पे लगे, तो हमने देखा ये हमें फर्स्ट चॉइस मिल गई और नीचे वाले में भी OH है लेकिन ये सल्फेट लगा हुआ है जो गलत, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको यहां तो आंसर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिख रहा है नीट 2017 में आया था और ये एसिडिटी में आया था और ये एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। हमने चॉइस को देखा तो हमें एल्कीन्स, एल्काइन्स और एल्केन दिखे। तो अब इसका ऑर्डर बच्चों हमको ऐसे याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा एल्काइन्स एसिडिक होती है। अगर एल्काइन्स में दो एसिडिक होंगी तो इथाइन सबसे ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है। एल्काइन्स के बाद में बेंजीन, बेंजीन के बाद एल्कीन और एल्कीन के बाद एल्केन। तो हमने देखा, हमें दिखा सेकंड चॉइस में इथाइन सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर दूसरी, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। बेंजीन है नहीं इसलिए ये ऑर्डर है, अगर बेंजीन होती तो वो एल्काइन्स के बाद आ जाती, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर सेकेंड हो। अब हम चलते हैं नीट 2017 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेस्पेक्ट टू कन्फर्मर ऑफ इथेन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अब इथेन के दो कन्फर्मर्स होते हैं, एक का नाम स्टेगर्ड और दूसरा होता है एक्लिप्स्ड। पर कन्फर्मेशन में बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ दो कार्बन के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंजमेंट चेंज होता है, इसलिए इसका फोर्थ आंसर। हम चलेंगे सिक्स्थ सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ये नीट फेज सेकंड 2016 में आया। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट फॉर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, मतलब फिडलक्राफ्ट हैलोजिनेशन में हम किसको यूज कर सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हैलोजन कभी भी रिप्लेस नहीं होती, सिर्फ तभी रिप्लेस होती है जब बेंजीन रिंग में कोई मेटा डायरेक्टिंग या NO2 ग्रुप लगाओ। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, अब थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि इथीन में Cl जुड़ी है। तो हमारा फोर्थ आंसर इसका होगा, क्यों, फोर्थ में हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ी हुई, या सिंपल सी लाइन कि फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के लिए हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाए। हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन में हमें वो कहता है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन ऑफ HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो किससे प्रोपीन नहीं बन सकती, HBr की रिएक्शन, ठीक है ना, शैल नॉट प्रोड्यूस, तो इससे नहीं बन सकती थर्ड, क्योंकि थर्ड एक किटीन है और किटीन का काम होता है किसी भी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप जोड़ना, CH3CO ग्रुप, तो ये जिससे भी रिएक्ट करेगा उसमें CH3CO ग्रुप जोड़ देगा। पर HBr में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो दो कार्बन होंगे इसलिए इससे पॉसिबल नहीं। हम चलेंगे नाइन्थ क्वेश्चन जो नीट फेज 2016 में आया। जब हम इस HF की रिएक्शन 0 डिग्री पर करेंगे, क्योंकि ये एल्कीन है और एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, तो ये एच जाएगा और इस एल्कीन पर रिएक्ट कर जाएगा तो इस रिंग पर, साइक्लोहेक्साइल रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन रिंग पर भी पॉजिटिव,
और बेंजीन रिंग पर भी पॉजिटिव अटैक करता है, ये पॉजिटिव रिंग जाकर इससे जुड़ जाएगी, इससे जुड़ जाएगी तो ये थर्ड वाला कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, मैं देख, हम देखते हैं इसका आंसर। आप देख सकते हैं पहले कार्बोकेटाइन बना और इस कार्बोकेटाइन ने बेंजीन रिंग पे अटैक करके थर्ड आंसर दे दिया। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 जो नीट फेज 2 में आया था। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट इजली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। कौन ब्रोमीन से सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा? गैसियस ब्रोमीन क्या करती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देती है, या हैलोजन ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ठीक है ना sp3 कार्बन होना चाहिए, तो sp3 ये sp2 sp3 कार्बन होना चाहिए, तो sp3 ये sp2 है, ये sp है, ये sp3 है और ये sp2 है, तो इसका आंसर बच्चों थर्ड। हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ मीथेन के लिए कौन सी बात सही है? ठीक है, स्टेगर्ड करेक्ट, स्टेगर्ड कंफर्मेशन ऑफ मीथेन मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इज राइट बिकॉज स्टेगर्ड कंफर्मेशन हैज नो टॉरिजनल स्ट्रेन। तो ये इसका सही स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चे को ये बात आनी चाहिए कि स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और उसका रीजन होता है क्या? नो टॉरिजनल स्ट्रेन। टॉरिजनल स्ट्रेन का मींस क्या होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म में दो बल्क, क्या होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म में दो बल्की ग्रुप एक दूसरे के ऊपर रिपेल करते हैं, रिपल्सन से टॉरिजनल स्ट्रेन डेवलप होता है। तो इसका आंसर होगा 11th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हम चलते हैं 12th की तरफ। हमने 12th क्वेश्चन को देखा, ये प्रोपाइन है और प्रोपाइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जब भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब NaNH2 और NH3 क्या करते हैं? उस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह Na जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब यह इस H की जगह Na जुड़ जाएगा और फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इस साइड में C2H5 ग्रुप जुड़ जाएगा, पर क्योंकि इसमें दो हैं तो फिर से इसने एक बार रिएक्शन कराई। क्या कह रहा है? एक्स और वाई पूछ रहा है, तो यहां पे दो कार्बन थे, दो और जुड़ गए तो ये तो बन जाएगी 1-butyne, और इधर दो और जुड़ जाएंगे तो 3-hexyne इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर करेक्ट, आप सॉल्यूशन देख सकते। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग में H2SO4 और HNO3 का यूज करते हैं। अगर आपको याद है ऐसे करके, इस रिएक्शन में HNO3 एसिड का काम करता है, क्योंकि H2SO4 एसिड का काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, जबकि HNO3 OH देता है, तो HNO3 ने OH दिया है, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें KHSO4 डाल दें तो रिएक्शन की रेट कैसी हो जाएगी? तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन से ये NO2 बनेगा, ठीक है। जब हम इसमें KHSO4 डाल देंगे तो KHSO4 कॉमन एक्ट की वजह से NO2 के फॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो आंसर इसका थर्ड। हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जब हमने उसकी रिएक्शन HCl से करी एल्कीन की मार्कोनिकॉफ रूल से, तो हमें प्रोडक्ट 1-chloromethyl cyclohexane बना। अब पॉसिबल एल्कीन कौन सी हो? ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन। ओके, तो हमें क्या बनाना है? 1-chloro-1-methyl, मतलब दोनों ग्रुप एक ही जगह लगे होने चाहिए, क्लोरीन भी, तो ऐसा इन दोनों में ही होगा क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में जाकर Cl यहां जुड़ जाएगा और H यहां जुड़ जाएगा मार्कोनिकॉफ से, और इस वाले में H यहां जुड़ जाएगा और इस टर्शियरी से जुड़ जाएगा,
तो जाएगा रजिस्टर्स से जुड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप देख सकते हैं थर्ड हो जाएगा। हम चलते हैं आगे 15th क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये सिंगल कंपाउंड स्ट्रक्चर दियो है और ये किसी की ओजोनोलिसिस से बना। अब हमें वो एल्कीन आइडेंटिफाई करनी है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, डबल बॉन्ड टूटकर दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप बन गए, ठीक है ना। मतलब इस कार्बन में और इस कार्बन में डबल बॉन्ड था। अब इससे हमें यह पता लगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर और उसका एक छोड़कर उस पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए या इसके भी ऐसे ही दोनों तरफ से। तो हमने देखा इसमें एडजेसेंट है तो हो नहीं सकता, पर अगला रूल फेल हो रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमने यहां से किया तो देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि जब हम इसकी रिएक्शन थर्ड से कराएंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा। तो हमने इसकी रिएक्शन कराई तो इसका आंसर 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 की जब हमने रिएक्शन कराई तो ओजोनोलिसिस हुई। और यहां सिंपल तरीका है कि आप इसको बीच में से ऐसे करके तोड़, यही शॉर्टकट एग्जाम में चलता है। ओ यहां लगा दिया और एक ओ यहां लगा दिया, ठीक है ना। तो हमारी सेकेंड चॉइस, ठीक है। अब इसकी करी हमने, देख सकते हैं आप, तो ओ हमारा आंसर सेकेंड वाला हो जाए। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जब हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr से करी, अब इसमें पहला डाउट यह है कि रिएक्शन रिंग में होगी या रिंग के बाहर, क्योंकि HBr के साथ में कोई भी लुइस एसिड नहीं है, इसलिए रिएक्शन रिंग में पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन अब इस डबल बॉन्ड पे होगी, डबल बॉन्ड पे होगी तो CH3 देगा, CH3 देगा तो इसका एरो इधर चला जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो Br पहले तो H जाकर जुड़ेगा, पर इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है और वो रूल क्या कहता है कि जो हैलोजन होता है वो हमेशा रिंग वाले कार्बन पर ही के बगल वाले पे, मतलब बेंजाइल कार्बन पे इस पे जुड़ेगा, क्योंकि इसका बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सबसे पहले एच अटैक करेगा इस पर और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फिर रीअरेंजमेंट से कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन में और फिर इसकी रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। या सिंपल याद रखें, जब भी ये स्टाइरिन किसी से रिएक्ट करेगी तो हैलोजन हमेशा बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पर ही आकर जुड़ता है। रीजन, क्योंकि उससे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 AIPMT 2014 में आया था, ठीक है ना, कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन CO2 के जैसी है। तो CO2 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, ठीक है ना। तो इसमें से sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन की हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आया था 2012। 1-butyne और 2-butyne में डिफ्रेंशिएट करना। 1-butyne और 1-butyne के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है ना। तीन टेस्ट हैं जो आते हैं। फर्स्ट टेस्ट, NaNH2 के साथ में इसकी एसिडिक हाइड्रोजन 1-butyne की रिएक्ट करता है। दूसरा, 1-butyne टॉलरेंस रिजल्ट के साथ में सिल्वर एसिटाइलेट का वाइट प्रेसिपिटेट है। तीसरा टेस्ट, 1-butyne क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है ना, CuCl2 अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रेड कलर देता है। तो हमारे पास NaNH2 है तो आंसर हो जाए।
हम आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ऐसा क्रैकिंग से होता है। ये क्रैकिंग की डेफिनेशन है कि क्रैकिंग से हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने आगे रिएक्शन देखी 20 जो 2010 में है। टॉलोइन की रिएक्शन हमने Cl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में करी। तो बच्चों काफी बार आप देख सकते हैं बार बार ये क्लोरीन की रिएक्शन आ रही है, क्योंकि अब लुइस एसिड है इसलिए रिएक्शन रिंग में हो, ठीक है, रिएक्शन, और फिर इसने रिएक्शन कराई है लाइट के प्रेजेंस में तो वाई बनाया। अब लाइट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो टॉलोइन के बाहर होगी, तो फर्स्ट वाले में तो ऑर्थो पैराक्लोरोटोलोइन बन जाएगी और वाई होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। और आप देख सकते हैं यही प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है, तो आप इस कंसेप्ट पर ध्यान रखें। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में हम देख सकते हैं वो हमसे पूछ रहा है एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कंफर्मर कौन सा है, ठीक है ना। तो ब्यूटेन में सबसे स्टेबल वो होता है जिसमें दो CH3 अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम ट्रांस स्टेगर्ड कहते हैं, और सबसे अनस्टेबल वो होता है जिसमें दो CH3 एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, और उससे थोड़ा कम स्टेबल ये गॉसियस स्ट्रक्चर होती है और उससे थोड़ी कम ये पार्शियल स्टेबल होती है। क्योंकि वो हमसे एक ही पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2। हम चलेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ जो 2009 में आया। बेंजीन की रिएक्शन हमने CH3Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में कराई। इसको देखकर हमें पता लगा कि AlCl3 लुईस एसिड है, रिएक्शन रिंग में होगी, तो CH3 पॉजिटिव और बेंजीन रिंग पे हमेशा पॉजिटिव अटैक करता है, तो टॉलोइन इसका आंसर है। ठीक है ना, तो यहां पर AlCl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। हम फिर चलते हैं 23 की तरफ कि नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन रिंग से बनाना है इन दोनों की रिएक्शन से। अभी थोड़ी देर पहले भी ये रिएक्शन आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में H2SO4 का काम होता है एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर, और क्योंकि HNO3OH देता है इसलिए HNO3 बेस का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हम चलेंगे 24 की तरफ कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। हमने देखा इसमें एक डबल बॉन्ड है और इन दोनों ही इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच्ड एटम दो एटम सेम नहीं है, मतलब एक CH3 है एक H, ऐसे इससे एक H है और एक पूरा है, तो ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो काइरेलिटी भी दिखा रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, तो यहां से दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे और यहां से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, तो दो और दो मिलकर चार होते हैं, इसलिए इसके कुल स्टीरियो आइसोमर्स की नंबर 4 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हम चलते हैं नेक्स्ट 2007 में। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ए इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट फॉलोइंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि बेंजीन डेरिवेटिव की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को डोनर ग्रुप बढ़ाते हैं और एक्सेप्टर ग्रुप कम करते हैं। तो हमने देखा सबसे बड़ा डोनर फिनॉल, तो फिनॉल मोस्ट रिएक्टिव होगा तो डी, उसके बाद टॉलोइन में CH3 भी डोनर ग्रुप है तो बी, फिर बेंजीन में ना कोई डोनर है ना कोई एक्सेप्टर है, जबकि क्लोरोबेंजीन में Cl है तो ऑर्थो पैरा, लेकिन ये रिएक्टिविटी को कम करता है, तो इसका आंसर 25 का आंसर बच्चों फर्स्ट। हम चलेंगे 26 क्वेश्चन की तरफ जो 2007 में पूछा।
अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करेंगे, मेन इसमें HCl की रिएक्शन जाएगा और H प्लस जाकर, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो CH तो इससे जुड़ जाएगा, गलत, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो H तो जाकर इससे जुड़ जाएगा, तो ये तो CH2 हो जाएगा और Cl जाकर इससे जुड़ जाएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी एडिशन रिएक्शन देगा तो HI इससे रिएक्ट कर जाएगा। और मार्कोनिकोफ का एक सेकेंड रूल है कि H दूसरी बार वहीं जुड़ेगा जहां पहले जुड़ा था, जहां पर पहले जुड़ा था, तो ये H जाकर वापस इससे जुड़ जाएगा और हेलोजन भी वहीं जुड़ती है जहां पहले जुड़ी थी, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट में वो आंसर मिल गया है तो हम इसका आंसर कर देंगे फर्स्ट। हम चलते हैं 27 की तरफ, विच एल्कीन फास्ट, हम चलते हैं 27 की तरफ, विच एल्कीन फास्टेस्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, किसमें सबसे जल्दी रिएक्ट करेगी, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट करेगी जो लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी जो मोस्ट रिएक्टिव हो। अब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकंड होगा, क्योंकि इसमें 4 अल्काइल ग्रुप है और 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा कम स्टेबल ये होगी क्योंकि इसमें 3 है। अब ये दो बची बच्चों, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, तो ये तो है सिस टू ब्यूटीन और ये है आइसोब्यूटीन, ठीक है ना। जब ये सिस और ट्रांस करके दें, ठीक है ना, तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इनमें से कौन ज्यादा है, तो इसमें से ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना, इसको ज्यादा लेसर रिएक्टिविटी मान लिया तो ये ज्यादा रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है ना, पर इसका आंसर इससे बेटर सिस, तो मैं इस आंसर को यहां से हटा देता हूं और इसका आंसर बच्चों ये नहीं होगा, इसका आंसर सिस टू ब्यूटीन होगा, क्योंकि सिस टू ब्यूटीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है, ज्यादा हीट लिबरेट। हम चलेंगे 28 की तरफ, 28 क्वेश्चन में कहता है कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है ना, स्टेबल एल्कीन वो होगी जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। हमने देखा सबसे ज्यादा इन दोनों में दिखे, तो सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि ट्रांस की स्टीरियो केमिस्ट्री उसको फेवर करती है, तो 28 का आंसर थर्ड केमिस्ट्री उसको फेवर करती है, तो 28 का आंसर थर्ड, 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब हम चलते हैं 29 की तरफ, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है, स्पेस में उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों ग्रुप सेम जुड़े हैं तो कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों अलग है और दोनों तरफ चेक करते हैं ये भी दोनों अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाए, तो आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड एनिलीन, या ये कंसेप्ट हर साल आता ही आता है कि डोनर ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाते हैं और सबसे बड़ा डोनर फिनोक्साइड होता है और उसके बाद एनिलीन, तो एनिलीन आ जाएगा, फिर बेंजीन आ जाएगा, फिर नाइट्रोबेंजीन, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, तो 30th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ। हमने यहां पर नीट में हाइड्रोकार्बन टॉपिक से आए हुए 2005 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एल्काइल हैलाइड को सॉल्व करके दिखाऊं।